मित्रों, मदिरा पान को ही कलियुग की सबसे बड़ी पहचान बताया गया है। आज धरती का हर दूसरा व्यक्ति न सिर्फ शराब या मदिरा पीता है, बल्कि इसे पीने में बड़ा ही गर्व महसूस करता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मदिरा पान को सबसे बड़े पापों की श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज के इस वीडियो में हम ये मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि शराब पीने वालों के साथ क्या क्या होता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको कई तरह के पाप और उन्हें करने पर मिलने वाली सजाओं का वर्णन मिल जाएगा। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में 5 तरह के महापाप बताए गए हैं। और मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 5 महापापों में सबसे बड़ा पाप मदिरा पान को ही बताया गया है। मदिरा पान के अलावा श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री से संबंध और विश्वासघात करने को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जहाँ शैतान नहीं पहुँचता वहाँ वो मदिरा को भेजता है, अर्थात जहाँ भी मदिरा पहुँचती है वहाँ वहाँ वो आदमी को शैतान बनाती जाती है। तभी तो शराब के नशे में धुत व्यक्ति दूसरों से न सिर्फ झगड़ा करता है बल्कि अपशब्दों का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हमारे वेदों में भी मदिरा पान को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। ऋग्वेद में शराब पीने वालों को शैतान की संज्ञा दी गई है। ऐसा शैतान जो दूसरों से लड़ता है और गलत व्यवहार करता है। दरअसल मित्रों, होता क्या है कि जब मदिरा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो व्यक्ति के अंदर से विचार, संस्कार, विवेक और सद्भाव को बाहर का रास्ता दिखा देती है, जिससे व्यक्ति की अच्छा सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। तब पीड़ा से कराहती शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है। इस दौरान शूर्पणखा अपने भाई रावण को ऐसे 4 पुरुषों के बारे में बताती है जिनका पतन होना तय है। शूर्पणखा रावण से कहती है कि ऐसा साधु जिसका संग अच्छा ना हो वो कभी भी अच्छा साधु नहीं बन सकता। इसी तरह अगर राजा को सलाह देने वाला व्यक्ति अच्छा ना हो तो वो भी राजा को बर्बाद ही करेगा। आगे शूर्पणखा ये भी कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी तो हो लेकिन उसे अपने ज्ञान पर अहंकार हो तो उसे भी कोई बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। मित्रों, अंत में शूर्पणखा अपने भाई से कहती है कि ऐसा इंसान जो मदिरा पान करता हो वो भी जीवन भर दुखी ही रहता है, क्योंकि शराब के सेवन से व्यक्ति की लज्जा चली जाती है। वो गलत कर्म करने पर भी कभी लज्जित महसूस नहीं करता। इसके अलावा मित्रों, नारद पुराण में भी शराब पीने को महापाप बताया गया है। नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला गौड़ी अर्थात गुड़ से बनाई गई शराब, दूसरा पैष्टी अर्थात चावल के आटे से बनाई गई शराब, और तीसरा प्रकार है माधवी, ऐसी शराब जिसे फूल और अंगूरों के रस से बनाया गया हो। नारद पुराण में उल्लेख मिलता है कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही इन 3 प्रकार की शराब से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, जिसकी सजा उसे इस मृत्यु लोक में तो भोगनी ही पड़ती है लेकिन मृत्यु के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है। ऐसा मनुष्य जो शराब का सेवन करता हो उनसे भगवान हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। अगर व्यक्ति दिन में भक्ति और रात को शराब का सेवन करता है तो ऐसे व्यक्ति से भी भगवान नाराज रहते हैं और शराब पीने से उनकी पूजा कभी भी सफल नहीं होती। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। यही नहीं, शराब पीने वालों के अलावा जो मनुष्य दूसरों को शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं उन्हें भी नरक में कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। नारद पुराण के अलावा गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य शराब का सेवन करता है उन्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि एक बार शराब पीने से मनुष्य के पाप 70 जन्मों तक बढ़ जाते हैं, अर्थात एक बार शराब पीने पर व्यक्ति को 70 बार और धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा मदिरा से दूरी बनाकर रखें। साथ ही मदिरा पान करने वालों से मित्रता न करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी ही रंगत होने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।